खास तौर से मेरे पंजाबी भाई बहनों का भी बहुत बहुत स्वागत। मैं तो आधी पंजाबनी हूं, इसीलिए लड़ती हूं। इसीलिए आपने कहा कि ईडी के समय में लड़ी, क्योंकि मुझ में वो पंजाब का भी वो जज्बा है और आप सबका भी जज्बा है। देखिए, ये महाभारत की धरती है, यहां से हमें भगवत गीता की सीख मिली। अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ने की, न्याय के लिए लड़ने की सीख मिली। अधर्म के खिलाफ धर्म की लड़ाई लड़ने की सीख मिली। यहां चाहे खेल का मैदान हो, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे खेत खलिहान हो, हर जगह हरियाणा के लोग खून पसीना बहाकर मेहनत करते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं, धर्म के लिए लड़ते हैं, देश के लिए लड़ते हैं। मुझे गर्व है कि मैं आज इस धरती पे खड़ी हूं और मुझे गर्व है कि आप सब आज यहां इतनी बड़ी तादाद में मेरी बातों को सुनने के लिए आए हैं। आपकी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। देखिए, ये देश किसानों का देश है। इस देश की आत्मा इस देश का किसान है। आजादी की लड़ाई से, बल्कि उससे पहले से, आजादी की लड़ाई से भी सैकड़ों वर्ष पहले से इस देश का किसान इस देश के लिए, आजादी के लिए लड़ा है, अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है। इस देश को अगर कोई समझना चाहता है तो इस देश के किसान को समझे। आप जब खेती करते हैं, जब अपनी उपज को आप उगाते हैं, जब अपनी खेती को आप खुशहाल बनाते हैं, तो सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने के लिए ये काम नहीं करते हैं। आप इस पूरे देश के अन्नदाता हैं, आप देश की नई पीढ़ी को बनाते हैं, इस पूरे देश को आप खिलाते हैं, आप इस देश की रीढ़ की हड्डी हो, इस देश की आत्मा हो। हरित क्रांति जब इंदिरा जी लाई तो वो इस बात को समझ के लाई। इस देश की आत्मनिर्भरता का श्रेय इंदिरा जी के साथ इस देश के एक एक किसान को मिलता है, जिसने इस देश को आत्मनिर्भर बनाया अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से। लेकिन अफसोस की बात यह है बहनों और भाइयों कि आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो सरकार आज देश में चल रही है, 10 सालों से केंद्र में बैठी है, वो इस सीधी सी साधारण बात को समझ नहीं पाए। वो इस देश के किसान का महत्व समझ नहीं पाए, इस देश के किसान का आदर कर नहीं पाए, आपके प्रति श्रद्धा से वो देख नहीं पाए। आपने आंदोलन किया, क्यों किया? क्योंकि वो 3 ऐसे कानून लाए थे जिससे आपके की कमर टूट जाती, जिससे आपकी कमाई खत्म हो जाती, इस देश का किसान झुक जाता। इसीलिए आपने आंदोलन किया, लाखों की तादाद में आप दिल्ली तक आए, महीनों के लिए आप दिल्ली के बॉर्डर पे आप बैठे रहे। इस देश के हर देशवासी ने आपको देखा, हर देशवासी के दिल में आपके लिए हमदर्दी जागी। आपके लिए कोई पानी लाया, कोई खाना लाया, कोई आपके साथ आकर बैठा। मुझे याद है दीपिंदर जी रोज रोज आपके आंदोलन में शामिल होते थे, आपके साथ आकर बैठते थे। लेकिन भाजपा का एक एक नेता, भाजपा के प्रधानमंत्री
नहीं की, आपका बिजली, आपकी बिजली बंद की, आपका पानी बंद किया, आपको देशद्रोही का दर्जा दिया। ये सारी मीडिया जो आपके सामने खड़ी है, जो आज बड़े बड़े खरबपतियों की है, इन्होंने आपको देशद्रोही कहा, आपके बारे में अपशब्द कहे, आपको आतंकवादी कहा। आप में से 600 भाई शहीद हुए, मोदी जी ने अपने पलक नहीं झपकाई। मुझे याद है, आपने जिक्र किया दीपिंदर जी, मुझे याद है यूपी में एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपने जीप के तले कुचल दिया। ताज्जुब की बात यह है भाई और बहनों, हमारी राजनीतिक सभ्यता हमें इंदिरा जी ने सिखाई थी कि जहां कष्ट है, जहां संकट है, सबसे पहले वहां पहुंचो। तो जब हमने सुना कि ऐसा हुआ है, हम गाड़ी में बैठे, रात का समय था, बहुत बड़ी आंधी भी थी उस दिन, बारिश आ रही थी, हमने कहा हम जाएंगे उन किसानों के परिवारों से मिलने जाएंगे। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसने उनको कुचला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जहां हम रह रहे थे चारों तरफ पूरे घर की पुलिस आ गई, नाकाबंदी की कि हम बाहर निकल ना पाए। हम किसी ना किसी तरह से निकल गए, पूरी रात हम पुलिस से भाग भाग कर सब जगह नाकाबंदी की थी। किस लिए? हमको पकड़ने के लिए। हम तो परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उसको पकड़ने के लिए एक उंगली नहीं उठाई जिसने ऐसा किया था। हम पूरी रात के लिए पुलिस से इधर उधर भागते हुए लखीमपुर खीरी तक पहुंचे, और जब हम पहुंचे तो 4 बजे थे सुबह के, हमें गिरफ्तार कर लिया। दीपिंदर जी ने आपको बताया कि किस तरह से पुलिस ने हमको घेरा और हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि हमें रोकने की कोशिश हो रही थी, उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं थी। तो ये सरकार की मंशा आपको बताता है, इससे पता चलता है कि इनकी मानसिकता क्या है। जब हम पहुंचे 3-4 दिन बाद उन किसानों के परिवारों से मिलने के लिए, तो उनका दुख, उनका दर्द हमें समझ में आया। वो आंदोलन कर रहे थे, शांति से कर रहे थे, जिस तरह से आपने यहां दिल्ली में किया। उनको बेरहमी से कुचला गया, उनके परिवार के सदस्य रो रहे थे, दुखी थे, न्याय चाह रहे थे, कह रहे थे कि हमें यकीन नहीं होता, हम सिर्फ न्याय चाहते हैं दीदी, हमें न्याय नहीं मिल रहा है, कोई हमारे दर्द को समझ ही नहीं रहा है। लेकिन अगर एक बात स्पष्ट हुई है इन 10 सालों में, तो ये बात स्पष्ट हुई है कि मोदी जी इस देश के किसान, इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास, इस देश की गरीब महिलाओं, इस देश के नौजवानों का दर्द नहीं समझते। वो कट चुके हैं आपसे। इस चुनाव में उसी मंत्री को टिकट दिया है जिसके बेटे ने उन किसानों को कुचल डाला, वो आज चुनाव लड़ रहा है। ये परिस्थितियां हो गई हैं हमारे देश की। आज परिस्थितियां ये हैं कि जितनी भी इनकी नीतियां बनती हैं, बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बनती हैं। अगर दर्द किसी का समझ रहे हैं, तो अपने खरबपति दोस्तों का दर्द समझ रहे हैं, जिनके पास पहले से हजारों लाखों करोड़ रुपए हैं, लेकिन मोदी जी हमारे सरकारी बैंकों से उनको 16 लाख करोड़ रुपए कर्ज माफ करते हैं। आज देश का किसान कर्ज क्यों लेता है भाइयों और बहनों? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कर्ज नहीं लेता कि उसके पास लाखों हजारों रुपए पहले से हैं, चलो और थोड़े से बना दिए। आज देश का किसान कर्ज लेता है अगर उसकी बेटी की शादी होती है। किसान कर्ज तब लेता है जब खेतों पे नुकसान हो गया, भुगतान नहीं मिल रहा, फिर से उपज उगानी है, अपने बच्चों के पेट में खाना डालना है।
किसान कब तब कर्ज लेता है जब अपने नौजवान बच्चों को शिक्षित करना है, ट्यूशन की फीस भरनी है और पैसे नहीं है क्योंकि कमाई नहीं है। और इन लोगों के पास इस देश के किसान के लिए एक रुपया नहीं है। जब हम कर्ज माफी की बात करते हैं कहते हैं अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं है, तो ये 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बड़े खरबपतियों के कैसे माफ किए अगर आपके लिए एक रुपया नहीं है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में जगह जगह ऐसे किसान हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए कर्ज लिया, वापस नहीं कर पाए और आत्महत्या कर ली। 50,000 रुपए के लिए आत्महत्या कर रहे हैं देश के किसान। और मोदी जी के पास ना उनके लिए समय है ना उनके लिए एक पैसा उनके कर्ज को माफ करने के लिए। ये परिस्थितियां बनी हैं। आज परिस्थितियां इनकी नीतियों द्वारा ऐसी बन गई हैं कि किसान खेती के हर सामान पर जीएसटी डाल रखा है, हर सामान को महंगा कर रखा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसकी बात होती है सिर्फ, आपको कभी नहीं मिलती। आपके सामने आते हैं, बड़ी बड़ी चर्चाएं करते हैं, लेकिन आज तक आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता। आप कर्ज उठाते हैं, कर्ज माफ नहीं होता। आपको खाद नहीं मिलती, सरकारी वितरण केंद्र तमाम बंद पड़े हैं देश भर में। आपको प्राइवेट में लंबी लंबी कतारों में होना पड़ता है, फिर भी नहीं मिलता। तो परिस्थितियां क्या है? आप कि खेती से कमा ही नहीं पा रहे हैं। आपको अगले दिन के लिए क्या इंतजाम करना है, कैसे करना है, यही पता नहीं है। किस तरह से आप जी रहे हैं, किस तरह से आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई आपको पूछता तक नहीं है। सरकार की सारी नीतियां बड़े बड़े खरबपतियों के लिए बन रही हैं। हिमाचल के किसानों को देखिए, देश का सबसे बढ़िया सेब उगाते थे, सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी जी को दे दिए। अडानी जी आज तय कर रहे हैं कि सेब कितने पे बिकेगा, कितने पे खरीदा जाएगा। जो बाहर से सेब आ रहा है उस पे टैक्स कम लग रहा है और आप जीएसटी दे दे के हिमाचल के किसान पिस रहे हैं, उनका सेब महंगा हो गया है। ग्राहक जब जाता है सेब खरीदने के लिए तो अमेरिकन सेब खरीदता है। अडानी जी जब जी चाहे सेब खरीदते हैं, जब जी चाहे सेब का दाम तय कर देते हैं। तो आज हिमाचल के सेब का किसान पिस रहा है। ये एक प्रदेश में नहीं भाइयों और बहनों, सारे प्रदेशों में इनकी यही नीति है, किसानों को पिसने दो, गरीबी के दलदल में रहने दो, बड़े बड़े खरबपतियों को आगे बढ़ना है, बस यही इनकी चिंता रहती है। और ये परिस्थितियां बना दी हैं इन्होंने आज कि आज महंगाई की वजह से सिर्फ किसान नहीं, आम आदमी, मिडिल क्लास का, मेरी बहनें, सब परेशान हैं। आज गैस का सिलेंडर इतना महंगा हो गया है, मेरी बहनें दुकान जाती हैं 5 चीजों को खरीदने के लिए, 3 चीज छोड़ आती हैं। बच्चों की फीस भरनी पड़ती है, घर में मरम्मत करनी है, पानी आ रहा है छत से, उसको उसके लिए भी घबराहट होती है। सोचती हैं कि चलिए बाल्टी डाल देते हैं, चला लेंगे, ऐसे ही कोई बात नहीं। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, रोज रोज आप सामना कर रहे हैं, लेकिन सरकार में आपकी सुनवाई तक नहीं है। आज कुछ भी खरीदने जाएं, मिट्टी का तेल, चीनी, आटा, सब्जी, कुछ भी खरीदने जाएं, पेट्रोल डीजल सब महंगा हो गया है, कोई गुजारा ही नहीं कर पा रहा है, कैसे जी रहे हैं समझ में ही नहीं आता। और वहां आप टीवी चलाते हैं, ये मीडिया वाले माफ करिए, लेकिन ज्यादातर बड़े बड़े खरबपति इन कंपनियों के मालिक हैं। आपको क्या दिखता है टीवी पे? आपको दिखते हैं मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर साफ सुथरे कुर्ते में, एक धूल का दाग नहीं है, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है, चमक रहे हैं। और आपको बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। किसान का बेटा कौन है? किसान का बेटा ही जवान है जो हमारी रक्षा करता है,
जो सरहद पे जाकर इस देश के लिए कुर्बान होने की तैयारी करता है, मैंने आंखों से देखा है, मैंने आंखों से देखा है उत्तर प्रदेश के गांव गांव में, और मैं जानती हूं कि हरियाणा के गांव गांव में भी सुबह सुबह 3-4 बजे वर्जिश करते हुए, दौड़ लगाते हुए बच्चों को, उनकी उम्मीदों का क्या हुआ, उनकी आशाओं का क्या हुआ? आप तो 4 साल बाद अग्निवीर लाके उनको भी बेरोजगार करना चाहते हैं जो सेना में भर्ती करने की उम्मीद रखते हैं। बच्चे रोते रोते आते हैं हमारे पास। मैं राहुल जी के साथ यात्रा कर रही थी मुंबई में, एक बच्चा आया, जीप पे चढ़ गया, रोने लग गया। हमने कहा क्या हुआ? बोला दीदी, तीन बार मैं भर्ती का कर चुका हूं, सारी परिश्रम की है, सूची में नाम भी आ गया, अब पिताजी कह रहे कि मत जाओ। तो मैंने कहा तुम्हारा मन क्या है? कहता है मन नहीं है दीदी, डर लगता है, मैं जाऊंगा भी तो 4 साल बाद मेरा क्या होगा, और मैं चले गया, मैं शहीद हो गया तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा मेरे परिवार को। रोने लग गया, कहा मैंने अपने 3 साल बर्बाद कर लिए, आज मैं यहां खड़ा हूं। मैं जाना चाहता था, देश की सेवा करना चाहता था, उस बच्चे की आंखों में वो जज्बा दिखा मुझे, वो शहादत का जज्बा, वो जज्बा कि मैं शहीद हो जाऊंगा लेकिन देश की रक्षा करूंगा। लेकिन उसको ये घबराहट थी कि अगर मैं कर भी डालूं तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा। आज बेरोजगारी चरम पे है और मोदी जी अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं। बेरोजगारी चरम पे है, 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं इस देश में आज, कभी ऐसा नहीं हुआ बहनों और भाइयों। मोदी जी कहते हैं ना 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, मैंने 10 सालों में वो कर दिया जो इन्होंने 70 साल में नहीं किया। हाँ, 10 सालों में इन्होंने बेरोजगारी को इतना बढ़ा दिया कि 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। इनकी पूरी इन्होंने देखिए बेरोजगारी के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए एक स्कीम नहीं दी है आपको। जहां जहां से आपको रोजगार मिलता था वो सारे साधन बंद कर दिए। बड़ी बड़ी सरकारी कंपनियां किसकी हैं आज बताइए, किसको सौंप दी गई हैं? बड़े बड़े खरबपतियों को सौंप दी गई हैं, उनकी सारी सब्सिडरीज सौंप दी गई हैं। देश का कोयला, देश के हवाई अड्डे, देश के बंदरगाह, देश का पावर, देश की बिजली, सब बड़े बड़े खरबपतियों को दे दिया है। 16 लाख करोड़ रुपए देश का पैसा उनको माफ। और आपको कौन पूछ रहा है? इस देश के किसान को कौन पूछ रहा है? इस देश के मिडिल क्लास को कौन पूछ रहा है? छोटे कारोबारों से रोजगार मिलता था, बड़े सरकारी कारोबारों से तो मिलता ही था जिनको ये ठप कर रहे हैं, लेकिन छोटे कारोबारों से भी मिलता था। यही जो मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट, यहाँ पानीपत का जो हैंडलूम है, जो यहाँ से भी एक्सपोर्ट होता था, यहाँ का छोटा छोटा कारीगर जो अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाता है, जो यहाँ से कालीन तौलियों का काम करता है, इनका क्या हुआ? आप नोटबंदी लाए, आपने देश को कह दिया कतार में खड़े हो जाओ, देशभक्त हो तुम, ठीक है, सब खड़े हो गए। जिन्होंने बचाया था थोड़ा बहुत, और सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? छोटे कारोबारों का हुआ। नुकसान हुआ आपने झेल लिया कि चलो देशभक्ति है, मोदी जी कह रहे काला धन वापस आ जाएगा, कोई काला धन वापस नहीं आया, कोई पैसे आपके खातों में नहीं गए, लेकिन आपके बिजनेसों का नुकसान हुआ। उसके बाद क्या लाते हैं? एक नया तोहफा आपके लिए, जैसे नौजवानों के लिए अग्निवीर का तोहफा, आपके लिए जीएसटी का तोहफा। आपको जीएसटी के कैलकुलेशन के लिए ही अकाउंटेंट रखना पड़ता है, चाहे आप रख सकते हैं या नहीं, मतलब आपकी काबिलियत है कि नहीं है, फिर भी रखना पड़ता है। चाहे छोटा बिजनेस है, अकाउंटेंट रखना पड़ता है कि किसी न किसी तरह समझ जाए कि जीएसटी किसमें कितनी है, और आपकी कमाई कम हो रही है, तो हर तरफ से आप पे आक्रमण है। किसानों पे आक्रमण है, मिडिल क्लास पर आक्रमण है, गरीबों पर आक्रमण है, महिलाओं पर आक्रमण है। बड़ी बड़ी बातें फिर से
मोदी जी कहते हैं महिलाओं के लिए आरक्षण लाए, कौन सा आरक्षण जो 10 सालों के लिए लागू नहीं होगा, और ये टीवी वाले मीडिया वाले हार पहना रहे हैं मोदी जी को, मोदी जी बड़े बड़े मंचों पर महिलाओं के साथ कि भैया हम आरक्षण लाए, और जब हमारी पहलवान बहनों के साथ दुष्कर्म होता है, गलत काम होते हैं, तो मोदी जी कहां छुप जाते हैं। ओलंपिक की मेडल लाई तो मोदी जी ने चाय पे बुलाया, अपने घर बुलाया, फोटो खिंचवा दी, सारे टीवी ने दिखाया कि मोदी जी है तो मुमकिन है, मोदी जी नहीं होते तो हमें मेडल ही नहीं मिलता। और जब उसी महिला ने रोकर कहा कि मुझ पे अत्याचार हुआ है, मोदी जी मेरी बात सुन लीजिए, मुझे सबसे ज्यादा दुख पता है किस बात का हुआ, जब मैं उससे मिलने गई, जब वो धरना लगा रही थी, मैं उन लड़कियों से मिलने गई, उसने मुझे कहा कि दीदी मैंने सोचा था मैंने देश को गर्वित किया है, देश के लिए इतना बड़ा मेडल लाई हूं, मैंने सोचा था कि अगर मैं सड़क पे बैठ जाऊंगी, मैं आंदोलन करूंगी, तो मेरी तो सुनवाई होगी। मुझे दुख इस बात का हुआ कि ये लड़की, इसने इतनी मेहनत की होगी, मैं जानती हूं मेरी बेटी ने हरियाणा के लिए बास्केटबॉल खेला था, तो मैंने अपनी बेटी को एक गांव में, सोनीपत में किसी गांव में स्कूल था, उसमें कैंप में भेजा था, सर्दी का समय था। मेरी बेटी रोज शाम को मुझे फोन करती थी, रोती थी कि बहुत मुश्किल है मम्मी, बहुत मुश्किल है, और मैं उसको बताती थी बेटा देखो गांव की लड़कियां कैसे मेहनत कर रही हैं, और उसने भी मेहनत की, प्रेरणा ली गाँव की बच्चियों से, क्योंकि गाँव की बच्चियों को हम देख देख के हमारी आंखों में आंसू आते थे। जब ये लोग नेशनल्स खेलने के लिए गए, जब ये नेशनल्स खेलने के लिए गए तो सारी बच्चियां इकट्ठी गईं, मेरी बेटी भी थी उसमें शामिल, मैं भी गई थी, और साथ में जो जितनी भी गांव की बच्चियां थी, जो सुबह 3-3, 4-4 बजे उठ के मेहनत करती थी, पसीना बहाती थी, मुझे आज तक याद है उस टीम की जो कैप्टन थी एक छोटी सी लड़की थी, इतनी सी, 15 साल की लड़की, शायद राधिका नाम था उसका, उसको 103 बुखार था, उसको 103 बुखार था, लेकिन वो खेलती रही खेलती रही खेलती रही। मैं माँ हूं, मैंने कहा कि उसको रुकवा लो, आराम करा लो, कोई बात नहीं, वो बच्ची रुकी नहीं। इतनी मेहनत करती हैं आपकी बेटियां, और ओलंपिक में जाने के लिए कितनी मेहनत की होगी इस लड़की ने, नौजवान, इसकी उम्मीदें, इसकी आशाएं क्या होंगी, महत्वाकांक्षाएं क्या होंगी, और आज सड़क पे बैठी है, आप उनको घसीटवा रहे हो, अपने पुलिस वालों से लाते खिलवा रहे हो, और आपके पास 2 मिनट का समय नहीं है कि घर अब बुला लीजिए ना, अब रो रही है, अब बुला लीजिए, अब सुन लीजिए कि इसका दुख क्या है। ये है आज की राजनीति की परिस्थिति, ये है हमारे देश के सबसे बड़े पद पर आसीन हमारे महान नेता प्रधानमंत्री मोदी जी, ये है उनकी हमदर्दी आपके लिए। समझ लीजिए बहनों और भाइयों, 10 सालों में जो सच्चाई आप जी रहे हैं, जिस तरह से आपको दिल्ली के अंदर इन्होंने जाने नहीं दिया, आपको बाहर रखा, आप पे लाठियां बरसाई, आपके आपके ऊपर टियर गैस डाला, आप पे पानी फेंकवाया, आपकी बिजली बंद कराई, जिस तरह से इन्होंने आपके साथ बर्ताव किया है, इसको भूलिए मत, भूलिए मत। 10 सालों से आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी बातें मंच पे, देशभक्ति की बातें। मैं पूछना चाहती हूं, कौन है वो देशभक्त जो इस देश को, इसकी आत्मा को नहीं समझ पाया, जो इस देश के किसान का आदर नहीं कर पाया, कौन है वो देशभक्त? नरेंद्र मोदी जी हैं? मुझे तो नहीं लगता। जिसने इस देश के किसानों को देशद्रोही कहा, इस देश के शहीदों को देशद्रोही कहा, मुझे तो नहीं लगता। याद करिए वो दिन जब आप पर लाठियां बरसाई, अपनी सच्चाई को ठीक तरह से समझिए। आप जो टीवी पे देख रहे हैं कि देश की बड़ी तरक्की हो रही है, ये तरक्की आपके जीवन में नहीं दिख रही है। आज
आप इतनी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं क्योंकि इस सरकार ने आपके लिए नीतियां नहीं बनाई। इस सरकार ने सिर्फ अपने बड़े बड़े खरबपतियों के लिए अपनी नीतियां बनाई हैं। ये सच्चाई है इस देश की, आज सच्चाई है इस देश के किसान का खून पसीना जो इस धरती में रोज गिर रहा है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं है। सच्चाई मजदूर की है जो भटक रहा है रोज रोज दिहाड़ी ढूंढने के लिए, दिहाड़ी मिलती नहीं है, काम मिलता नहीं है। सच्चाई है इस देश के नौजवान की जिसके लिए अग्निवीर जैसी योजना ले आए, जिसको बेरोजगार रखने की साजिश है, क्योंकि अगर रोजगार मिल जाएगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो फिर इनकी राजनीति को नकार देगा, क्योंकि इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाली राजनीति है। इनकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता लेने की, हर कीमत पे सत्ता लेने की राजनीति है। देखिए, आपने इनकी बातें सुन ली हैं। आज ये इतने अहंकारी हो गए हैं कि ये कह रहे हैं अगर हमें 400 सीटें मिलेंगी तो हम संविधान को बदल डालेंगे। ये कौन होते हैं संविधान को बदलने वाले? ये संविधान आपका है, ये संविधान इस देश का है, ये संविधान इस देश के किसानों, गरीबों, इस देश की हर वासी का है। इस संविधान पर आंच नहीं आने देंगे हम। इसलिए आप समझ लीजिए, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 सालों में लोकतंत्र को कमजोर करने का काम किया है, हर स्तर पे, न्यायपालिका को, मीडिया को, जहां जहां से लोकतंत्र मजबूत होता है, संसद को, हर जगह से इन्होंने कोशिश की है कि लोकतंत्र कमजोर हो जाए। अब ये आखिरी बात भी बोल दी इन्होंने कि इनको मौका मिले तो संविधान बदल देंगे। संविधान से आपको इस वोट का अधिकार मिलता है, आपको भोजन का अधिकार मिलता है, शिक्षा का अधिकार मिलता है, आरक्षण का अधिकार मिलता है। संविधान आपका सुरक्षा कवच है। समझ लीजिए गहराई से इस बात को, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है जो किसानों पर इस तरह से वार कर सकता है। जो वार इन्होंने 10 सालों से किया है वो कुछ भी कर सकता है, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। आप इस बात को गहराई से समझ लीजिए, इनकी पूरी राजनीति 36 कौमों की एकता को तोड़ने की राजनीति है, और कांग्रेस की पूरी राजनीति कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और मणिपुर से लेकर मुंबई तक, जहां जहां मेरे भाई राहुल गांधी पैदल चल के हजारों किलोमीटर चले हैं, कांग्रेस की राजनीति यही है, देश की एकता बनाए रखना, भारत जोड़ो यात्रा की। क्योंकि हम ये, हमारी ये राजनीति, हमारी ये विचारधारा है कि ये देश एक रहे तभी मजबूत होगा, यही हमारी राजनीति है। हमारे कण कण में ये बात है कि इस देश की आत्मा इस देश का किसान है। इस देश के किसान के बिना ये देश कुछ नहीं है। इस बात को हम गहराई से समझते हैं आज, क्योंकि हम इस बात को समझते हैं, क्योंकि हम इस बात को गहराई से समझते हैं। और भैया ने ये यात्रा की जिसमें उनको समझ में आया कि कितना अन्याय हुआ है देश की जनता के साथ। हम एक न्याय पत्र अपनी पार्टी की तरफ से हमने घोषित किया। इस न्याय पत्र में हमने कुछ गारंटी लिखी है आपके लिए। मैं आपको ये गारंटी सुनाना चाहती हूँ। सबसे पहले किसान भाइयों के लिए, किसान भाइयों के लिए हम कानून बनाएंगे। आपका कानूनी अधिकार बन जाएगा कि आपको न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP मिलना ही मिलना है। ये आपका कानूनी अधिकार बनेगा, कोई इस अधिकार को आपसे छीन नहीं पाएगा। इसके अलावा खेती के हर सामान पर आज GST है, हम GST हटा देंगे, हर सामान को सस्ता कर देंगे। आपके कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, कर्ज माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनेगा, जिससे जब जब आप संकट में हैं आप जाकर सुविधा ले सकेंगे।
आज आपको खेती का भुगतान नहीं मिलता, नुकसान होता है, भुगतान नहीं मिलता। हम कह रहे हैं ये गारंटी करेंगे कि 30 दिनों के अंदर अंदर पूरा भुगतान होगा। मेरी बहनों के लिए, हर गरीब परिवार की जो सबसे बड़ी महिला है उसके खाते में हर महीने 8,500 रुपए हम डलवाएंगे, सरकार डालेगी। ये काम 2,000 रुपए डालने का काम कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकारें आज के दिन कर रही हैं। किसानों के कर्ज माफ हमने करके दिखाए हैं, छत्तीसगढ़ में किया, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया जब हमारी सरकारें थी। तो मैं जो जो कह रही हूं आपसे हमने करके दिखाया है, इसका प्रमाण है। महिलाओं के लिए आशा बहू, आंगनवाड़ी और मिड डे मील वाली महिलाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा, केंद्र से दुगनी राशि भेजी जाएगी। केंद्र सरकार में जितने भी पद हैं उनमें से आधे महिलाओं को दिए जाएंगे। नौजवानों के लिए जो स्नातक पास हैं उनके लिए पहली नौकरी पक्की, 1,00,000 रुपए सालाना वो कमाएंगे। पेपर लीक के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे। मोदी जी के कार्यकाल में 30,00,000 सरकारी पद खाली है, हम उन 30,00,000 सरकारी पदों को भरेंगे। अग्निवीर को रद्द करेंगे, आपका अपमान है ये स्कीम, हम इस स्कीम को रद्द कर देंगे जैसे ही हमारी सरकार बनेगी। जो मजदूर हैं, जिनको आज जिनका आज शोषण होता है, ठेकेदार कुछ भी दे देता है, रोजगार नहीं है, जो भी दिहाड़ी मिलती है काम कर लेते हैं, हम उनके लिए कानून लाएंगे कि 400 से कम की दिहाड़ी नहीं दे पाएगा कोई। और इसके साथ साथ जिस तरह हम गांव में मनरेगा लाए और मोदी जी ने उसको कमजोर किया, हम मनरेगा को फिर से मजबूत बनाएंगे और शहरी मनरेगा लाएंगे ताकि पानीपत जैसे शहरों में भी 100 दिन का रोजगार की गारंटी आपको मिलेगी। अब मैं आखिरी बात आपसे ये कहना चाहती हूं कि यहां से आपको लगता है कि खट्टर जी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ये चुनाव खट्टर जी के खिलाफ नहीं, ये चुनाव मोदी जी और मोदी जी की किसान विरोधी सरकार के खिलाफ है। आपका वोट आज मोदी जी को हराने के लिए जा रहा है। ध्यान से अपना वोट दीजिए, पूरे विवेक से अपना वोट दीजिए। जिन्होंने आपको दिल्ली के अंदर जाने से रोका उनको दिल्ली से निकाल दीजिए। ये देश आपका है, ये देश आपका है। आप किसान हो इस देश के, इस देश की आत्मा हो, इस देश का जवान आपका बेटा है। मैं आपकी जो भावना है उसको समझती हूं, क्योंकि जब आपके बेटे देश के लिए शहीद होते हैं तो आप पीछे नहीं हटते, आप दूसरे बेटे को भी बोलते हैं जाओ, तुम भी जाओ सरहद पे रक्षा करो देश की। ये आपकी भावना है, ये आपके जज्बात हैं। मैं इस भावना को इसलिए समझती हूं क्योंकि मैं भी एक शहीद की बेटी हूं और एक शहीद की पोती हूं, और अगर मेरे 100 बेटे होते मैं भी उनको वही कहती जो आप अपने बेटों को कहते हो। तो ये देश आपका है, इस देश की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी है जितनी हमारी है। हम लड़ाई लड़ेंगे आपकी, हम आपके खिलाफ जो अन्याय किया गया है उसको दुरुस्त करेंगे, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे। लेकिन अब आपके जागने का समय आ गया है, आप भी जागिए, आप भी लड़िए इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान के लिए। सीना तानिए और हिम्मत से जाकर अपना वोट डालिए। इस सरकार को आखिरी बार यहां से इस सरकार को आप खदेड़ दीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें बहुत ध्यान से सुनी। जय हिंद।